गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की कविता 3 मत बांटो इंसान को, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। बांटो, मत बांटो यानी मना किया है कि बांटो यानी विभाजित करना, इंसान यानी मनुष्य का, इंसान को मत बांटो, मनुष्य को मत विभाजित करो। तो इसके जो कवि है विनय महाजन, इस कविता में विनय महाजन ने भी मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। संपूर्ण मानव साथी एक विशाल मानव परिवार है, सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभी भेदभाव भूल कर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। तो इसमें पहली पंक्ति है कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, और धरती बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। यानी कवि कहते हैं कि दुनिया ने लोग, कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। उसके बाद की पंक्ति है कि अभी राह तो शुरू ही है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, बंदी यानी कैदी है। गरीबों की झोपड़ी में अभी भी दीपक जल रहे हैं। उसमें है कि मिला न, उसके बाद की पंक्ति है कि मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। यानी कि अभी भी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का जो विचार है अभी भी दुनिया के बहुत से भागों में नहीं पहुंचा है। मत धरती बाटी सागर माटा, मत बाटो इंसान को। इसके बाद की पंक्ति है, अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। कि उसमें कवि ने कहा है कि अभी भी धरती अभी भी पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का वितान यानी क्या है, आकाश। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश है, लेकिन प्रेम की भावना नहीं है तो प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार जलते हुए भी रेगिस्तान है। उसके बाद है, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान का। तो क्या हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए, तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। उसके बाद है कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को,
धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। यानी कवि कहते हैं कि समानता की सूरज का प्रकाश अभी तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जाग जाए और अपना दरवाज़ा खोल ले सबके घरों में के आंगन में भी। तभी समानता का प्रकाश समानता की भावना फैलेगी, हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी, ऐसे बागों में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा, रोंद नहीं पाएगा, यानी जुल्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें कवि कहती है कि हमें सब भेदभावों को भूलकर हमें क्या करना चाहिए, समानता का सभ्य का मिलजुल कर समानता का भाव लाना चाहिए और मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। उसके बाद है कि शब्दार्थ है जो आपको समानार्थी शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें है कि पहला है राह यानी रास्ता अथवा तो मार्ग, उजियाला यानी उजाला अथवा तो रोशनी, बंदी यानी कैदी अथवा तो गुलाम, मितान यानी विस्तार अथवा तो अवकाश, चट्टान यानी कि क्या होता है शिलाखंड या बड़ा पत्थर, पहरा यानी सुरक्षा अथवा तो रखवाली, रोंदना यानी कुचलना, मंजिल यानी लक्ष्य, गंतव्य यानी स्थान, मजबूर यानी विवश अथवा तो असहाय, रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, बांटना यानी विभाजित करना, घाटी यानी दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, बहार यानी सुखद वातावरण अथवा शोभावसन। तो कवि आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों ने अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक ऐसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावना की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है, इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो उसका जवाब आ सकता है कि कुछ लोगों के भगवान मंदिर में हैं, तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं, कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं, एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। उसके बाद प्रश्न है कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तो उसका जवाब हो सकता है कि चट्टानों का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है, और इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप से धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। तो प्रश्न आ सकता है आपको कि किसकी मुस्कान को नहीं पाएगा। तो उसका आंसर आ सकता है सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को नहीं रोक पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। फिर
इसके बाद का प्रश्न आ सकता है कि हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ इस रेगिस्तान में बदल सकती हैं, तो उसका आंसर आ सकता है कि वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आ सकता है कि उछाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है, तो उसका आंसर आ सकता है कि उछाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। तो इस प्रश्न आ सकता है कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है, तो यह इसका जवाब आ सकता है कि यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप में रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश भी देती है। तो यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। थैंक यू।